वडोदरा के इलेक्शन वार्ड नंबर 6 वारसिया इलाके में सुरुचि पार्क सोसाइटी मौजूद है, जहां पे 42 जितने मकान मौजूद है। दरअसल यहां के निवासी बीते 1.5 माह से पीने के पानी में आ रही दुर्गंध से परेशान है। हाल ही में वहां पर पानी की नई नलिका पालिका की ओर से डलवाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पीने के पानी में वहां पर दुर्गंध आती रहती है। ऐसे में इस मामले के मद्देनज़र सुरुचि पार्क के निवासी वडोदरा महानगर पालिका की बड़ी कचहरी स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री के पास आवेदन पत्र देने के लिए पहुंचे थे। दरअसल ये डॉक्टर शीतल मिस्त्री का ही इलाका है, जिसके चलते इस मामले की शिकायत लेकर सुरुचि पार्क के निवासी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन आपको बता दें कि निवासियों की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने उनके साथ गलत बर्ताव किया है। आपको बता दें कि स्थानीय और साथ ही स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री के बीच में टूटू मैमे के दृश्य भी नजर आए थे। इस दौरान जब मीडिया कर्मी वीडियो शूटिंग लेने के लिए पहुंचे, तब स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री की ओर से उन्हें भी रोक कर ये धमकी दी गई कि उनके ऑफिस में उन्हें बिना पूछे किसी भी तरीके का कोई भी शूटिंग ना किया जाए। दरअसल स्थानीय स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री के इस रवैये से काफ़ी नाराज़ है और इनमें इस मामले के मद्देनज़र काफ़ी रोष भी देखने मिल रहा है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि जब स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री खुद अपने ही इलाके की समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं, तब वडोदरा शहर की कोई भी समस्या उनकी ओर से कैसे सुलझाई जा सकेगी। अधिकार जोड़े में बात करवा तैयार न थी, अमारे मिस्त्री जोड़े बात करनी थी, पर उठीन चलवा मड़े, कोई एमनी तमीज छे नहीं, बहराओ साथे के इतना बोले, मीडिया सामने से एवी इतना बोले, अबे अभी इतना ऊपर, अरे ऊपर तमने वोट लेवा भीख मांगी आवे छे, अबे वोट आपिए छे, अन अभी रीते तमीजती बात करे छे, हारू लागे छे इमने, अरे अमे पानी नी रजूआत लईने आया था, अरे 1.5 महीना थी अमे छोकराओ बीमार छे मारा घर में, અમે મહેનત કરીને ખાઈએ છે, કશું વાત નથી કરી, અધિકારી સાથે વાત કરો એમ કે છે, અધિકારીઓ કે છે કાલે આવશે, પરમ દિવસ આવશે, બધા મીડિયા વાળા કાલે સોસાયટીમાં મારી જોઈએ।